वेलकम बच्चों, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक राजा की कहानी है और यह स्टोरी हो सकता है आप लोग सुने होंगे। इस स्टोरी में हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलता है और हम लोग अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा यह स्टोरी है। यह क्लास 3 का इंग्लिश बुक चैप्टर 11 है और इस चैप्टर का नाम है मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। पैसे कभी हमें खुशियां नहीं दे सकते। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूं दुलार चंदा, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। ये सफर हम लोग का इसी तरह जारी रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वह बहुत ही लालची था। ही वॉज ईजर फॉर मोर एंड मोर वेल्थ, वह अधिक से अधिक धन पाने के लिए आतुर रहता था। हिज नेम वॉज मिडास, उसका नाम मिडास था, उस राजा का नाम मिडास था। ही वर्शिप्ड गॉड, उसने भगवान का पूजा किया। गॉड बिकेम प्लीज्ड विथ हिम, भगवान उससे खुश हो गया। एंड ही टोल्ड द किंग टू आस्क फॉर ए बून, और भगवान वहाँ पे प्रकट हो गया और उसने उस राजा से एक वरदान मांगने को कहा। जैसे कि हम लोग देखते हैं धार्मिक सीरियल में, जब कोई तपस्या करता है तो भगवान खुश हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, फिर उनसे वो कोई वरदान मांगता है। उसी तरह से एक राजा भगवान का पूजा करता है और भगवान खुश होकर प्रकट हो जाते हैं और उनसे वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। ही आस्क्ड फॉर द पावर टू टर्न ए थिंग इनटू गोल्ड, वह राजा बोलता है कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि मैं किसी भी चीज़ को छूं और वो सोना बन जाए। नाउ द किंग वॉज ब्लेस्ड विथ ए बून टू टर्न ए थिंग इनटू गोल्ड, अब राजा को ऐसी ही शक्ति दे देता है भगवान। वह राजा अब जिस चीज़ को भी छुएगा वह चीज़ सोने में बदल जाएगा, वह सोना बन जाएगा। द किंग बिकेम मच डिलाइटेड, जब ये उसको आशीर्वाद मिल जाता है, जब ये वरदान उसको मिलता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है कि मुझे ऐसा वरदान मिल गया है। कमिंग बैक, वह वापस घर आ जाता है। मिडास टस्ट हिज बेड, और अपना बेड को छूता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बेड, यहाँ गोल्डन कलर का दिखाया गया है। वह अपने बेड को छूता है। इट टर्न इन टू गोल्ड, और वह सोने का बन जाता है। ही टर्न हिज इंटायर पैलेस इन टू गोल्ड, वह जब बेड को छूता है वह सोना बन जाता है। उसके बाद वह अपने पैलेस, अपने महल को छूता है और पूरा महल सोने का बना लेता है। द किंग वॉज गिवेन सम फूड टू ईट, राजा को कुछ खाने के लिए भोजन दिया जाता है। एज द किंग टस्ट द फूड टर्न इन टू गोल्ड, और जैसे वो खाने के लिए भोजन को छूता है, जाहिर सी बात है कि हम लोग खाना को बिना छुए खा नहीं सकते हैं, हम लोग छुएंगे उसको तब खाएंगे। तो जैसे ही वो छुआ वो पूरा खाना सोना बन गया, तो सोना तो खा नहीं सकता है। ही पिक्ड अप द ग्लास फुल वाटर, वह खाना तो नहीं खा सका, फिर वह क्या सोचा कि चलो पानी पी लेते हैं। वह पानी से भरा हुआ गिलास को जैसे ही उठाया पूरा पानी और गिलास सोना का बन गया। एज ही होल्ड द ग्लास, जैसे उसने ग्लास को पकड़ा, इट टर्न इन टू गोल्ड, वह सोना बन गया। नाउ ही कुड नेदर ईट नॉर ड्रिंक, इसके आगे यहाँ पे है। मीन वाइल हिज सन केम टू द किंग, उसी दरमियान उसका बेटा राजा के पास आता है। एज ही टच्ड हिम, जैसे वह अपने बेटे को छूता है, ही टर्न इन टू गोल्डन स्टेचू, और जैसे वो छूता है तो वह सोने का एक मूर्ति बन जाता है, उसका बेटा सोने का बन जाता है। द किंग वॉज वेरी सैड, जब उसका बेटा सोने का पुतला बन जाता है तो राजा बहुत दुखी हो जाता है। द बून ही वॉज ब्लेस्ड विथ बिकेम ए क्रश फॉर हिम, जो वरदान उसे मिला था अब लग रहा है कि वो उसके लिए श्राप बन गया है। द किंग प्रेड टू गॉड, और फिर राजा भगवान से प्रार्थना करता है। आई डू नॉट वॉन्ट मनी, मैं पैसा नहीं चाहता। आई हैव नो नीड ऑफ द बून, मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं है, इस वरदान की जरूरत नहीं है, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। ही रिक्वेस्टेड टू टेक इट बैक, वह भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगता है कि इस वरदान को वह वापस ले ले। ही वेप्ट बिटरली लाइक ए चाइल्ड, वह बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। ही रिपेंटेड ओवर हिज ग्रीड, वह अपने लालच पे बहुत ही पछतावा करने लगता है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चा जो है सोने का बन गया है। किसी का बच्चा अगर सोने का बन जाए तो क्या उसे खुशी मिलेगा? नहीं मिल सकता। ये तो बहुत बड़ा सोना हो जाएगा लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हो सकता। सीइंग हिज ग्रीफ गॉड टुक बैक द बून, उसके पश्चाताप को देखकर
उसकी वेदना को देखकर भगवान अपने दिए हुए वरदान को वापस ले लेते हैं। नाउ द किंग वाज फ्री फ्रॉम ग्रीड, और राजा अब लालच से मुक्त हो जाता है। उसके अंदर जो लालच था उससे वह मुक्त हो जाता है, उसका वो लालच मिट जाता है। ही बिकेम वेरी काइंड टू हिज पीपुल, वह अपने प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु हो जाता है। ही रियलाइज्ड दैट मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस, और उसे महसूस होता है कि पैसों से, धन दौलत से खुशियाँ नहीं मिल सकती है। इस चैप्टर से हमें बहुत बड़ी सीख मिलता है। ज़्यादातर लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हमें नॉलेज के पीछे जाना चाहिए। पैसा हमारे पीछे खुद ब खुद आएगा। जिसके पास अच्छा नॉलेज है उसके पास पैसा आना ही आना है। इससे संबंधित हमारे बॉलीवुड में भी कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें से आप इसको जानते होंगे, जुदाई एक फिल्म आया हुआ था अनिल कपूर और श्रीदेवी उर्मिला मातोंडकर का, काफ़ी पुराना हो चुका है वो मूवी। उसमें भी पैसे के बारे में दिखाया है और उसमें भी यह डायलॉग बोला गया है कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से खुशियाँ नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो जाती है। इसमें कुछ कठिन वर्ड दिए हुए हैं, इसको पढ़कर आप लोग याद कर लेंगे। और इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है आइए देखते हैं। यह है इस चैप्टर का क्वेश्चंस। यहाँ पे वन नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये दिया हुआ है, और टू नंबर में मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन, इसमें सेंटेंस बनाना है सारे वर्ड्स का। और थ्री नंबर में अब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसको चेंज करना है, और इसमें जो है हुड या सिप लगाकर इसको कन्वर्ट करना है। और फोर नंबर में सिक्स फ्लावर का नाम लिखना है, इस तरह से दिया हुआ है। फाइव नंबर में अपने कुछ दोस्तों का, राइट द फुल नेम्स ऑफ योर फाइव फ्रेंड्स, पांच दोस्तों का नाम लिखना है। और सिक्स नंबर में इस तरह से दिया हुआ है एनिमल्स का, उसके बच्चे का नाम दिया हुआ है, जैसे कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, डक के बच्चे को क्या कहते हैं, इस तरह से दिया हुआ है। आप इसको देख कर याद कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए बोला गया है। तो आइए मैं आपको जो इसमें मुख्य क्वेश्चन आंसर है उसको बना के दिखाता हूँ। यह चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर। Answer the following questions. Who was Midas? Midas was a very greedy king. What did God give to Midas? God blessed him with a boon to turn anything into gold. Why did Midas become sad after getting the boon, as the king touched anything turned into gold? Meanwhile, his son came to the king. As he touched him, he turned into golden statue. The king became very sad. What did God do seeing the grief of Midas? Seeing the grief of Midas, God took back the boon. Can money give happiness? No, the money cannot give happiness. Question number 2 में sentence बनाने के लिए बताया गया था, तो यहाँ पे ask for, search for इसका sentence बना दिया गया है, आप यहाँ से देखकर बना लेंगे। और question number 3 में abstract noun में इसको change करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि hood और sip लगा के इसको change करना है। यहाँ पे बना दिया गया है, सारा वर्ड्स यहाँ पे लिख दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में सिक्स फ्लावर्स का नाम लिखने के लिए कहा गया है, तो सिक्स फ्लावर का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इसको देख कर लिख सकते हैं। और यहाँ पे चैप्टर 11 पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद मिलता है पढ़ाई में, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।